हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ की मैथ्स की वर्कशीट 2, जो कि आपकी डेट 2 फैब की है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, चलिए लेट्स रिकॉल। द लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा कहलाता है मीडियन। ठीक है, यानी कि ये देखिए, ये ट्राइंगल बना हुआ है, तो ये जो है इस वर्टेक्स का, ये अपोजिट साइड पे जो लाइन ड्रॉ हो रही है, तो हम इसको कहेंगे मीडियन। एम ई डी आई ए एन, मीडियन। द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, यानी कि यही ट्राइंगल है लेकिन परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम उसको कहते हैं ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ए एल टी आई टी यू डी ई, ऑल्टीट्यूड। फिर है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज डैश देन द इट्स थर्ड साइड, तो ये ग्रेटर होता है, हमेशा बड़ा ही होता है ना, दो साइड्स का सम, जी आर ई ए टी ई आर, ग्रेटर। फिर है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस इट्स थर्ड साइड। पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स ओनली डैश फॉर एंगल ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के लिए होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, आर आई जी एच टी, राइट एंगल। तो लेट्स रिकॉल वाले क्वेश्चन हो गए। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या बोला गया है, कट 21 पेपर स्ट्रिप्स एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ट्राइंगल, आपको 21 स्ट्रिप्स काटनी है पेपर की, और कैसे काटनी है, दो स्ट्रिप तो लेनी है 6 सेंटीमीटर की, 4 स्ट्रिप लेनी है 7 सेंटीमीटर की, 6 स्ट्रिप लेनी है 8 सेंटीमीटर की, ऐसा करके आपको अलग अलग स्ट्रिप लेनी है। फिर आपको क्या करना है, नाउ टेक द स्ट्रिप इन द गिवन 3 ग्रुप ऑफ 3 स्ट्रिप एज इन गिवन इन कॉलम 1 ईच रो ऑफ द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर की स्ट्रिप लेनी है, 9 की लेनी है, 8 की लेनी है, उनको मिला के आपको ट्राइंगल बनाने की कोशिश करना है। तो जब आप बनाओगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ट्राइंगल बनाने के लिए ट्राइंगल बनेगा या नहीं, तो आपको हमेशा ये देखना होगा कि जो दो साइड्स हैं उनका जो सम आएगा वो थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए, यानी कि 7 और 9 कितना होता है 16 क्या है 8 से बड़ा है। ठीक है, 9 और 8 को मैं भी जोड़ूंगी तो 17 आएगा, 17 7 से बड़ा है, 7 और 8 को जोड़ूंगी तो 15 आएगा, 15 9 से बड़ा है, कोई सी भी दो साइड जोड़ेंगे तो तीसरी साइड से बड़ी आनी चाहिए, तो वो ट्राइंगल बन सकता है, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, तो सब इसमें येस आएगा, येस बन सकता है, तो जब आप इसको ट्राइंगल को बनाएंगे तो बेटा तीनों साइड्स इसमें अलग अलग है, ऐसे ही दिख रहा है, तो जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, फिर इसमें देखिए 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ये अलग है, लेकिन जब आप ट्राइंगल बना के देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आएगा। ठीक है, राइट एंगल। ठीक है, यहाँ देखिए 7 7 10, यस इसमें भी बनेगा, और देखिए दो साइड्स इक्वल हैं, जब दो साइड्स इक्वल होती है तो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलस। फिर है आपका 8 15 और 17, यस इसमें भी बनेगा, और ये भी आपका राइट एंगल बनेगा। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल भी लिख लीजिएगा। फिर है आपका 9 11 और 17, तीनों अलग अलग हैं, बनेंगी जब आप बना के देखोगे, सम करके देखना, थर्ड साइड से ग्रेट रहेगा, और ये आपका तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्केलन हो जाएगा, एस ई ए एल ई एन ई। फिर है आपका बेटा 6 7 15, तीनों अलग अलग हैं, तो ये भी बन जाएगा येस, और ये आपका क्या बनेगा, 6 7 और 15, तो ये आपका है, जब आप इसको बना के देखेंगे ना 6 7 15 को, तो ये नहीं बनेगा आपका, यहाँ नो आएगा, देखिए कैसे, 6 और 7 कितना हुआ, 6 और 7 हुआ 13, तो 13 15 से बड़ा है, नहीं है, तो ये नहीं बन सकता, आपको सम करके देखना पड़ेगा, नो बनेगा। ठीक है, जब नो बनेगा तो फिर ट्राइंगल भी नहीं बनेगा। फिर है बेटा 8 8 8, तीनों साइड्स इक्वल है, तो इसमें आप कहीं भी सम करके देखिए, बन जाएगा येस, और तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो आपका क्या बनता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो हमारे अब फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, नाउ ड्रॉ मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड इन ऑल द ट्राइंगल यू हैव फॉर्म, आपको सारे ट्राइंगल बनाने हैं कॉपी में, पेस्ट करने हैं स्ट्रिप से, फिर आपको ऑल्टीट्यूड और मीडियन बनाना है।
तो बेटा आपको देखिए, कोई भी जब आप पहला ट्राइंगल बनाएंगे, मान लीजिए आपने उसका नाम लिखा ए बी सी, तो मीडियन का मतलब होता है कि यहाँ से इस वर्टेक्स से यहाँ पे थर्ड अपोजिट साइड पे कोई भी लाइन ड्रॉ हो रही है, तो मैंने यहाँ नाम दे दिया डी, तो आपका ए डी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सारे ट्राइंगल में नाम से ड्रॉ करना है। और ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि इसी थर्ड वर्टेक्स से डल रहा है, मान लीजिए दूसरा ट्राइंगल है, मैंने उसका नाम रखा पी क्यू आर, तो यहाँ से डल रहा है लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल पे डलती है। ठीक है, तो ये अगर पी क्यू आर और ये एस हो गया, तो आपका पी एस ये क्या हो जाएगा, आपका ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड जो है वो आपको ध्यान रखना होगा, वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है, और जो आपका मीडियन होता है वो इसका ऐसा नहीं होता कि वो 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ठीक है, तो वो कैसे भी हो सकता है, इधर इधर कैसे भी थर्ड साइड पर होना चाहिए, तो आपको हर ट्राइंगल में दिखाना होगा, उसकी नेमिंग करके दिखानी होगी, तो ये आप कर ही लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल यू गॉट, तो बेटा हमने इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल निकाले थे, एक तो हमारा इस पे निकला था राइट एंगल ट्राइंगल 8 पे 15 पे, और एक हमारा ऊपर भी निकला था, देखिए एक हमारा निकला था 8 15 और 16 पे, और दूसरा हमारा निकला था 6 10, इन दो पे निकला था। इसमें आपको पाइथागोरस प्रूफ करना है, तो पाइथागोरस प्रूफ करने के लिए वही करना है, दो साइड्स का जो स्क्वायर होता है वो थर्ड साइड के इक्वल आता है। ठीक है, पाइथागोरस में देखिए, पाइथागोरस में क्या होता है, ये जो सबसे बड़ी साइड होती है इसका जो स्क्वायर होता है इन दोनों के साइड के सम के इक्वल होता है स्क्वायर के। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं फोर्थ का। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया है, सबसे पहला हमारा ट्राइंगल था 6 10 और 8, स्क्वायर ऑफ 6 कितना होगा, 6 स्क्वायर 36, और 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए 36 और 64 को जब मैं ऐड करती हूँ तो 100 आएगा, और वो थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है, तो हैंस वेरीफाई, ये प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे दूसरा हमारा था राइट एंगल ट्राइंगल जो आया था, राइट एंगल ट्राइंगल में बस आपको ध्यान रखना है कि दो साइड का जो सम होता है उनके स्क्वायर का सम वो थर्ड साइड के इक्वल आता है, तो यहाँ पे भी हमने 8 15 और 17 इन तीनों का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, इसको और इसको जब मैं ऐड करूँगी तो वो मेरा 289 के इक्वल आ गया, तो हैंस प्रूव लिख दो या वेरीफाई लिख दो, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।